देखो सारी मशीन ग्लोबल हेल्थ में। ये क्या साउथ कितने का होगा भाई अली? अपने टेस्ट में क्या क्या चीज़ है ये? जलाने के लिए आता है, प्लग में लगा दो, प्लेट गर्म हो जाएगा। ये क्या बाजार है? भाई नेकलेस वगैरह देख रहे हैं, पूछ लेना भैया से रेट नहीं लेके। तो भाई अंडा लग रहा ना पूरा। जो कि हाथों से बनाई होती है नाव वाव, देख रहे हो क्या कारीगरी है। बट चलते हैं इस वाले हॉल में, अब चलते हैं इस वाले हॉल में हैंडीक्राफ्ट। सारी बुक्स है एक से बढ़कर। ये वाली द सीक्रेट, ये देखियो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो ये है गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन और ये रहा अपना मेगा ट्रेड फेयर। तो ये पूरा रास्ता गया हुआ ट्रेड फेयर की तरफ। ये देखो गाइस, मतलब कि अगर आप उसकी टिकट लेनी है तो आप इसके ऑफलाइन भी ले सकते हो और ऑनलाइन भी ले सकते हो। ऑनलाइन के लिए आप बुक माई शो पर भी इसको बुक कर सकते हो। और ये दिखा रखा पूरा फॉर्मेट और इसका QR कोड है, इसको स्कैन करोगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा, तो आप इसकी टिकट भी बुक कर सकते हो। तो हम तो ऑफलाइन लेंगे, ऑनलाइन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर काउंटर है आगे टिकट के लिए। तो ये देखो पूरा लगा हुआ है। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में और मैं हूँ अभी फ़िलहाल यहाँ पे मेगा इंटरनेशनल ट्रेड फेयर लगा हुआ है, तो मैं वहाँ पर आया हूँ। तो ये वर्ल्ड का इंटरनेशनल बाज़ार है। तो अभी हमने टिकट नहीं ली, इसकी टिकट लेते हैं। तो अभी टिकट लेने जा रहे हैं। तो ये टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट आप ले सकते हो। तो हमने टिकट ले लिया, दिखाओ भाई अली। तो हमने दो टिकट ले ली, चलते हैं अंदर। ये हमारा एंट्री गेट। Now we are going to तो ये देखो जो ट्रेड फेयर है वो 19 से 29 अगस्त तक लगा हुआ है और ये जो सुबह है 11 बजे खुलता है और 8 बजे तक ये बंद हो जाता है। तो आप यहाँ पे भी आप लोग आके विजिट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और आपको बता दूँ कि यहाँ पे करीब 50,000 प्रोडक्ट हैं और करीब 10 कंट्रीज का सामान है यहाँ पर। फ्री गिफ्ट्स ओ भाई, चले ना, अच्छा लग रहा है ना भाई, मस्त लग रहा है। ये देखो सोफे वगैरह भी भाई खरीद सकते हो आप लोग। ओ भाई, सोफे का प्राइस कितना है? 1,18,000 सनशाइन सोफा। ये देखो कैसा लग रहा है। अब ये गोल्ड का है क्या? गोल्ड का है ये, 17,000। शूज भाई, ये क्या बैग्स भाई, आंखों में लग रहा है यार। क्या क्या चीज़ है ये? क्या चीज़ है भैया ये? चला नहीं धूप बत्ती।
धूप बत्ती वगैरह जाने के लिए। भैया ये क्या चीज़ है? जेल है, बालों में लगाने वाला। अच्छा, खुशबू आती होगी बढ़िया वाली। महंगा होगा, 300 रुपये का। ये क्या कपूर मशीन के ऊपर डालेंगे ना हो जाएगा। ये मशीन है सब्जी काटो, वॉचेस। ओ भाई घड़ी, ये देखो सोफे। प्लीज डू नॉट सेट हेयर, यहाँ बैठना नहीं हमें। हवा आ रही है बहुत तेरी, बहुत ठंडा है, पानी भी नहीं है, नॉर्मल से भी अच्छा है ना। इवन काफ़ी तेज है एयर कूलिंग। ये देखो सारा सामान है एयर कूलिंग का। ये देखिए, मैं देखा था ये क्या चीज़ है भैया? मसाज देख, मसाज के लिए ट्राई कर सकते हैं क्या? ट्राई पूरा ओल्ड। लग रहा है, फील आ रहा है। अरे बैठना बैठना, बैठ 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 बैठ, दर्द हो रहा है इस पे। अरे इस पे ये वाला ट्राई करके देख, इस वाला ट्राई करके देख। 5 मिनट का 100 रुपीज़ लगता है। अरे वो भैया कह रहे हैं फिर ये ट्राई कर सकते हैं। कैसा फील हो रहा है भाई? अच्छा लग रहा है, चला जा। पूरा एंटीबायोटिक देखो, पेंटिंग सजावट रेट एक और। आप इन सब पेंटिंग भी सब कुछ खरीद सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ से। पूरा टेस्टी फूड सर, टेस्ट कर सकते हैं क्या? ये बंद करो फिर टेस्ट। हाँ तो भाई ये जो था फर्नीचर वाला, इसके अंदर हम घूम के आगे बहुत सारी चीज़ें थी, मस्त थी, बट जो भी था बढ़िया था। और वहाँ पे खाने पीने का जो टेस्ट, मैं कहा यार वीडियो बना लेता हूँ, बनाने ही नहीं दी यार। चलो कोई बात नहीं, अभी इसके अंदर चलते हैं। ऑल इंटरनेशनल, ये खीरा ऑल इंटरनेशनल। 50-50 रुपये, 100-100 रुपये। भाई नेकलेस वगैरह देख रहे हैं, पूछ लेना भैया से रेट नहीं लेके। तो ये क्या चीज़ है भाई? मेरे को तो कछुआ ही नज़र आता है हर जगह। देख रहे क्या डिज़ाइन बनाया इन्होंने, ये अच्छा लग रहा है ना। खाट मत ग्रुप है ये भाई, कतई क्या लग रहा है। लाइटें लाइटें, अली कहाँ गया? ये देखो एकदम मस्त। क्या डाल रखा है इसके अंदर, मस्त लग रहा है। ये देखो बल्ब ही बल्ब जल रहे हैं। गोल्ड ही गोल्ड भाई, खरीद लो तो लेना है। सारा लेडीज सामान है भाई, अंगूठी वगैरह सामान, साड़ी ले लो। ये लग रहा थोड़ा एक्सपेंसिव और महंगा महंगा सामान है। तो कपड़े एक से एक बार मनी क्रिएशन, मूर्ति रामायण,
अच्छे हैं यहाँ पे, सारा रामायण का सामान मिलता है। सारा कुछ महंगा महंगा, शुक्र कपड़े का ही मार्केट है। तो आप चलते हैं इस वाले हॉल में, हैंडीक्राफ्ट एंड लाइफस्टाइल, देखते हैं इसके अंदर क्या। जयपुर का भाई पूरा बेल्ट, चमड़े की बेल्ट वगैरह। इस बुक के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, इसमें वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया गया है कि आप कोई चीज़ को चाहते हो तो वो आप कैसे वो कर सकते हो, मतलब कि अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। और ये थिंक एंड ग्रो रिच, ये तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, इसके बारे में लोगों ने बहुत पढ़ा है। सोचो और अमीर बनो। जो लोग बुक्स पढ़ते हैं ना उनका माइंड बहुत ज़्यादा शार्प होता है, मेरा मानना ऐसा है। ये देखो पूरा बुक्स का स्टॉल है, इधर कपड़े वपड़े, यहाँ पे तेल वगैरह आप कुछ भी ले सकते हो, तो यहाँ से कुछ भी ले सकते हो आप, खरीद सकते हो गैजेट वगैरह। और तेरी बुलेट ये देखो क्या लग रही है, तो गोलियाँ गोलियाँ हैं, मसाले मसाले लग रहे हैं भाई। जीरा वीरा देसी मसाले, चक ये तो ऐसा लग रहा था आगरे का पेट है ये, है ना। सर ये क्या चीज़ है, ये ऐसे का एक बंच बोलते हैं रहे ना, और ये 200 में जो है ना, ये तीन का जो है ना, इसमें ये डिजाइन मैंने बनाया है, ऐसा ही बनेगा, इसमें कटिंग नहीं करना पड़ेगा। एक ऐसा ऊपर दिया हूँ, दो ऐसा साइड, नमक ही नमक, एक से एक चीज़ खाओ, बढ़िया। सारे टेस्टी लग रहे हैं भाई, खाओ। राजस्थानी पापड़, अच्छा लग रहा भाई, भाई। तो गाइस जैसे कि मेगा मार्ट हमने ट्रेड फेयर पूरा घूम लिया, एकदम बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, क्या बताऊँ, मतलब कि मज़ा आया, काफ़ी अच्छा था। चार पांच वो लगे हुए थे सेट, मतलब कि जो घर से बने हुए थे, चार पांच ही थे जिसके अंदर हम घूमे, काफ़ी अच्छा रहा। अब बात करते हैं टाइमिंग वगैरह की, तो सुबह ये 11 बजे खुल जाता है, हैं, और शाम के 8 बजे तक ये करीब बंद हो जाता है। तो आप लोग आओ विज़िट करो यहाँ पर, और आप कोई भी मेट्रो लाइन पकड़ो और गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन पे उतरो, वहाँ से करीब 500 मीटर का डिस्टेंस होगा यहाँ तक पहुँचने का, जो ये मेगा ट्रेड फेयर लगा हुआ है, और काफ़ी बढ़िया एकदम देखने लायक है। और ये इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 तक है, तो उससे पहले कि आप यहाँ पे आके विज़िट करके देख सकते हैं। और इसके बाद एक और ट्रेड फेयर लगेगा, वो जो इंटरनेशनल होता है ना, मतलब कि पूरे वर्ल्ड का, वो लगेगा करीब हमारा नवंबर में, वो प्रगति मैदान, जिसके बारे में आपको पता ही होगा अगर आप लोगों ने वीडियोज़ वगैरह देखे हैं, अगर नहीं देखा तो देख लेना, यूट्यूब पर बहुत सारी पड़ी हुई है। तो वो लगेगा, वो करीब 14 नवंबर से लगता है, वो 29 नवंबर के आसपास, और वो वहाँ पे भी बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। इससे क्या होता है ना, जो ट्रेड फेयर लगते हैं ना, एकदम बिज़नेस पर्पज़ के लिए लगते हैं, और यहाँ पे कुछ लोग देखते भी हैं, कुछ लोग सीखते भी हैं, और कुछ ना कुछ एक नया इंटरेस्टिंग सा देखने को मिलता है, हैं, जिससे कि लोग अपना दिमाग थोड़ा डेवलप होता है, और उनको कुछ ना कुछ आइडियाज़ आता है कि हाँ चलो ये वाला प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा बिक रहा है या जो भी है, हम उसको सेल कर सकते हैं।
तो आप आओ यहाँ पे देखो। और जो टिकट प्राइस है वो बहुत ज़्यादा सस्ता है, आपको पता ही चल गया होगा, वो 50 रुपये, कोई ज़्यादा महंगा नहीं है, 50 रुपये है इसका। तो एक चीज़ और बताना भूल ही गया मैंने, पूरे ट्रेड फेयर घूमा मैं, मेगा ट्रेड फेयर पूरा, तो मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया क्योंकि सारा बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, करीब वही 100-200 से ऊपर ही था जो भी कुछ था। बट एक बुक जो वगैरह थी बुक, वो 100-100 रुपये की मिल रही थी, तो हमने कहा चलो एक बुक खरीद लेते हैं। तो एक बुक ली, तो हमने कहा चलो एक बुक खरीद लेते, तो हमने वाली बुक ली, लिमिटलेस, अच्छी लग रही है। बट 100 रुपये में मिल रही थी बहुत सारी बुक, मतलब जो भी बुक आप ले सकते हो वो 100 रुपये तक की सारी, कोई सी भी बुक लो। तो हमको ये पसंद आ गई तो हमने ये ले ली, क्योंकि यार आप बुक में पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, मतलब कि अगर आप बुक में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो उससे यार आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगी, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि जो आपकी आगे की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो इसमें बुरा क्या है, तो इसलिए हमेशा जो भी पैसे वगैरह ना, वो बुक्स वगैरह में इन्वेस्ट करो, कोई कोई ऐसी चीज़ खरीदो ना जिससे कि आपको नॉलेज मिले, आपके आगे फ्यूचर में काम आए। मेरा मानना तो ये है कि अगर आप कोई चीज़ खरीद रहे हो या आप कोई चीज़ खा रहे हो, तो वो मतलब कि उसको ना आपके, आपको बेनिफिट मिलना चाहिए। चाहे आप कोई किसी चीज़ पर 10 रुपये भी खर्च कर रहे हो ना, तो उसका आपको फ़ायदा होना चाहिए, तो वो चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, अदरवाइज़ तो बेकार है। हाँ, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए, प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते नेक्स्ट। अब कहीं और जगह घूमूंगा दिल्ली में, तो मैं उसका वीडियोज़ बना के डालूंगा आपको। जब तक के लिए बाय।